this is another video regarding atomic emission spectrum. अगर आप लोगों ने एटॉमिक एब्जॉर्प्शन या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ अगर आप लोग बेसिक नहीं जानते हैं सो यू कैन गो ऑन द प्रीवियस वीडियो दैट इज एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जिसमें मैंने स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस किया है. ऑल्सो आई हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट स्पेक्ट्रम हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द केमिस्ट्री. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एमिशन स्पेक्ट्रम कैसा होता है. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में हम लोगों ने बेसिक थ्योरी पढ़ ली थी, हम लोगों को अभी एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में डिस्कस करना है. ना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या था कि अ ग्राउंड स्टेट एटम वाज एक्सेप्टिंग द लाइट सोर्स और एनर्जी फ्रॉम अ लाइट सोर्स एंड इट वाज गेटिंग एक्साइटेड. अब सीधी सी बात है, अगर एब्जॉर्प्शन में एक्साइटेशन हो रहा था तो एमिशन में क्या होगा, डी एक्साइटेशन होगा. सो अगर आप लोगों को एक भी चीज अगर आप पढ़ लेते ना प्रॉपरली तो दूसरी चीज आपको गेस करना बहुत आसान हो जाता है. यहाँ पर अब स्टडी करते हैं हम लोग. सो इन दिस केस एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर क्या हो रहा है, वट एवर योर एक्साइटेड स्टेट हियर इज, मतलब इसको हम लोग एक एक्साइटेड गैस की तरह अज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, कोई गैस है और जनरली ये फिनोमेनन गैसेस सब्सटेंसेस में ऑब्जर्व होता है. तो कोई गैस है हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में जिसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हायर स्टेट्स में अवेलेबल है या फिर हायर स्टेट्स में प्रेजेंट है. अब हायर एनर्जी स्टेट का मतलब क्या है, लेट्स अज्यूम कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो n equals to 1 में प्रेजेंट है. ठीक है, मैं इसको ऐसे नहीं बनाती हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा और इसको थोड़ा ऐसे बनाते हैं. ठीक है, सो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो n equals to 1 में प्रेजेंट है, मतलब वो फर्स्ट लेवल में प्रेजेंट है. वो क्या कर रहा है, वो जंप बैक कर रहा है n equals to 0, मतलब वो ग्राउंड स्टेट के अंदर जंप बैक कर रहा है. अब जब वो एक्साइट हो रहा था तब उसने कोई ना कोई एनर्जी एक्सेप्ट की थी, तो उस इलेक्ट्रॉन के पास रिस्पेक्टिवली कुछ ना कुछ एनर्जी तो अभी भी अवेलेबल है. अब जब वो डी एक्साइट हो रहा है तो वो क्या करेगा, जो उससे एनर्जी वहां से अवेलेबल, जो एनर्जी उसने वहां से एक्सेप्ट की थी वो एनर्जी अब वो लूज कर देगा. सीधी सी बात है, सपोज हम एक इलेक्ट्रॉन की जो ओरिजिनल एनर्जी है उसको एक्स अज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा था, फॉर मैं यहाँ पे लिख दे हूँ एब्जॉर्प्शन के टाइम पे. ठीक है, स्पेलिंग कैन बी रॉन्ग. एब्जॉर्प्शन के समय पे अज्यूम कर लेते हैं कि उसने कोई ना कोई एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, लेट्स अज्यूम दैट एनर्जी टू बी एक्स डैश. ठीक है, उसने कोई एनर्जी यहाँ पर एक्सेप्ट की थी जो कि एक्स डैश है. अब ये उसकी ओरिजिनल एनर्जी है और ये एनर्जी जो है जो उसने लाइट सोर्स से एब्जॉर्ब की थी. एमिशन के टाइम पे क्या होगा, एमिशन के टाइम पे क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक्स माइनस एक्स डैश हो जाएगा. मतलब कि उसकी जो ओरिजिनल एनर्जी है वो तो उसके पास रह जाएगी, लेकिन जो एनर्जी एमिट हो रही है वो ओरिजिनली एक्सेप्टेड एनर्जी जो एक्स डैश है ये एमिट हो रही है. ठीक है, तो अगर आप लोगों के दिमाग में ऐसा है कि जब ये एमिट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन अपनी खुद की एनर्जी लूज कर रहा है क्या, नहीं, इलेक्ट्रॉन अपनी खुद की एनर्जी कभी लूज नहीं करता है अनटिल एंड अनलेस इट इज सब्जेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर फिनोमिनन. नहीं तो यहाँ पर जो उसने एनर्जी एक्सेप्ट की थी एब्जॉर्प्शन के टाइम पे एक्स डैश, वही एनर्जी यहाँ पर एक्स डैश जो है वो लूज हो रही है. यहाँ पर देखो माइनस साइन लगाया हुआ है एंड नाउ दिस विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द एमिशन स्पेक्ट्रा. स्टार्टिंग में बताया हुआ है ये जो हमारे पास है ये 400 टू 700 नैनोमीटर वाला रेंज है. अब हर किसी के टेक्स्ट बुक के हिसाब से थोड़ा सा रेंज वैरी करता है, किसी किसी की बुक्स में 430 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर्स भी दिया हुआ है ये चीज, बट एक कलेक्टिव डेटा के हिसाब से हम लोग 400 टू 700 नैनोमीटर्स जो है वो एक एवरेज रेंज लेकर चलते हैं. एवरेज रेंज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ लाइट एंड आप जिस पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो रेंज कितना हो रहा है. ना यहाँ पर देखो, अब ये जो आपके पास लाइंस यहाँ पर पूरा का पूरा जो ये शेडेड रीजन है, पूरा का पूरा शेडेड रीजन ब्लैक है. ठीक है, अंडरस्टैंड दिस, ये होल शेडेड रीजन इज ब्लैक इन नेचर एंड जो लाइंस आपको ऑब्जर्व हो रहे हैं ये सारे के सारे जो है वो कलर्ड लाइंस हैं. और अगर आप लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में जब आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यही जो लाइंस थी वो जब वहां पर मेंशन की है तो वो ब्लैक लाइंस पर मेंशन की हुई है. That simply means that these two spectras, जब आप इनको overlap करेंगे तो ये पूरे के पूरे आपको विव्यूअर देंगे. और इसका सिंपल ये भी मतलब आता है that these two phenomena are complementary to each other. If some atom is showing absorption spectra, it is very very prominent that it will show the emission spectra too, because these two phenomena are complementary to each other. Also, light consists of all the colors. तो आप ऐसे properly बीच में black और white नहीं कर सकते हैं. All the colors has to be present with the particular atom. So both the phenomena are observed. If अगर एक atom आपको एक phenomenon दे रहा तो वो दूसरा confirm देगा. I guarantee that. Now, ये जो हमारे पास black lines observe हो रही हैं, these black lines show that these lines were
इनडीड एक्सेप्टेड इन दी फर्स्ट रीजन, पहले वाले रीजन में वो एक्सेप्ट हुई थी, और यही लाइंस आपको अब जाके ऑब्जर्व हो रही है। पहले एक्सेप्ट हो गई थी तो वो ब्लैक लाइंस दिख रही थी, अब ये रीजन जो है वो एमिट हो रहा है तो आपको सिर्फ यही लाइन दिख रही है। दिस इज द होल मीनिंग ऑफ एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा। अब इसमें जो कैलकुलेशन है ना, एनर्जी कैलकुलेशन कैसे होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ना स्पेस लेती हूँ। इसमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि कितनी एनर्जी, ये जो आप लोगों को एनर्जी निकल के आ रही है, ये एनर्जी कितनी है, वो एनर्जी कैलकुलेशन के लिए एक्चुअली रेडबर्ग ने फॉर्मूला दिया था। सो रेडबर्ग का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, आर एच इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा जेड स्क्वायर आर इन ब्रैकेट 1 बाय एन1 स्क्वायर माइनस 1 बाय एन2 स्क्वायर। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये है क्या। अब रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू तो यहाँ पर लिखी हुई है मैंने, इट इज अ वेरी वेरी कांस्टेंट वैल्यू, इट डज नॉट चेंजेस। बस इसका एसआई यूनिट पे ध्यान रखना है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर जेड का मतलब है एटॉमिक नंबर, हम स्टार्टिंग से जेड का मतलब एटॉमिक नंबर ही डिनोट करते आए हैं। यहाँ पर एन वन का मतलब है हाईर एनर्जी लेवल और एन टू का मतलब है लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी लेवल है, कृपया इसे नोट डाउन कर ले और नीचे मैं एज इट इज कर रही हूँ। सो दीज आर दी एनर्जी लेवल्स एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर। अब अगर मैं इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन, सपोज आपको इसी क्वेश्चन में उसने बोला है कि फाइंड आउट दी व्हाट वी कैन से इसकी एनर्जी निकालो, ठीक है, एनर्जी ऑफ द एमिटेड लाइट। और सपोज अज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास सोडियम का स्पेक्ट्रा है, क्योंकि मैंने बताया है कि जो हमारे पास स्पेक्ट्रा ऑब्जर्वेशन होता है वो मेटल्स के लिए ज्यादा प्रोमिनेंट है एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के लिए स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व करना बहुत डिफिकल्ट है, वी कैन नॉट से इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज केमिस्ट्री हैज डेवलप्ड अ लॉट, एंड जिस बैकग्राउंड से मैं हूँ एनालिटिकल केमिस्ट्री, इट हैज एक्चुअली डेवलप्ड अ लॉट एंड इट कैन लिटरली हैव अ लॉट ऑफ स्पेक्ट्रास। सो सोडियम के लिए अज्यूम करते हैं, तो सोडियम के लिए हमारे पास, हमें पता है कि एटॉमिक नंबर उसका होता है 11। सो नाउ लेट्स ट्राई टू पुट दी नंबर्स इन दिस, लेट्स ट्राई टू पुट नंबर्स। अभी हमारे पास N1, ये जो हमारे पास N1 है, यहाँ पर हमारे पास N1 की वैल्यू हायर मतलब 1 है और N2 की वैल्यू मतलब लोअर वाला है मतलब 0 है हमारे पास। यहाँ पर Z की वैल्यू मिल गई है, R की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, N1 N2 की वैल्यू अवेलेबल है। 1 बाय लैम्डा या फिर RH, ये तो हम लोगों को निकालना है, हम लोगों को रेडबर्ग्स या फिर ये 1 बाय लैम्डा। एक और चीज, 1 बाय लैम्डा इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यू बार, विच इज कॉल्ड एज वेव नंबर, इट इज कॉल्ड एज वेव नंबर इन नेचर। सो यहाँ पर वैल्यूज आते हैं, तो जेड स्क्वायर के लिए आप लोग क्या डालेंगे, 11 का स्क्वायर। आर की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, N1 स्क्वायर के लिए आप लोग यूज करेंगे 1 का स्क्वायर और N2 स्क्वायर के लिए आप लोग यूज करेंगे 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर क्या होता है, क्या ही होगा, 0 ही होगा। सो वन मोर थिंग हियर, ये सारे के सारे जो लाइंस ऑब्जर्व होते हैं इनके लिए कुछ सीरीज है, ठीक है, कुछ सीरीज है आप लोगों के पास। सीरीज के कौन कौन सी है हमारे पास, वी हैव सीरीज सच एज लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड। एक और सीरीज होती है, हम्फ्री सीरीज होती है, वो भी इंक्लूड कर लेते हैं, हम्फ्री सीरीज भी होती है। और इनके लिए रिस्पेक्टिव N1 की वैल्यू है 1, 2, 3, बाल्मर, पास्चन, पी फंड, ब्रैकेट। पी फंड के बाद ब्रैकेट आता है, अरे मैंने बताया क्यों, यहाँ पर ब्रैकेट ही लिखो, मैं यहाँ पर नंबर्स डाल देती हूँ। तो ये हमारे पास ये 4 होगा, ये 5 होगा और ये 6 होगा, ये इनकी N1 की वैल्यूज है। अब N2 मतलब डी एक्साइटेशन उनका कहीं पर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है वो, डी एक्साइटेशन कहीं भी हो सकता है। आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि N2 की जगह आपको वो लिखना है जहां पर डी एक्साइटेशन एक्चुअली हो रहा है। एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिनन बताती हूँ, हम लोग लाइमन को फर्स्ट लिखते हैं और बाल्मर को सेकंड लिखते हैं ना, तो सबके दिमाग में ये होगा कि लाइमन पहले डिस्कवर हुआ और बाल्मर बाद में डिस्कवर हुआ, बट विच इज वेरी वेरी रॉन्ग टू से। सबसे पहले एक्चुअली बाल्मर डिस्कवर हुआ था, तो बाल्मर पहले डिस्कवर हुआ है और बाल्मर के हिसाब से लाइमन, पास्चन, पीफन, ब्रैकेट, हम्फ्री की डिस्कवरीज हुई है बाद में। सो दिस इज ऑल अबाउट द एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम।